बॉबी झा एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं राजनीति की खास खबर। जब वोटिंग के दिन पप्पू यादव ने गाना गाया, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। लोकसभा चुनाव 2019 के तीसरे चरण का मतदान जारी है। बिहार में भी 5 सीटों पर भी मतदान हो रहा है। इनमें से मधेपुरा सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां 3 दिग्गज नेता शरद पवार, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और बिहार सरकार के मंत्री दिनेश चंद्र यादव चुनाव मैदान में हैं। बिहार सरकार के मंत्री और जदयू के सीनियर नेता दिनेश चंद्र यादव एनडीए के उम्मीदवार हैं। महागठबंधन से शरद यादव आरजेडी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि जन अधिकार पार्टी के चीफ पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अवमानना केस एससी में सीजेआई ने पूछा चौकीदार कौन है। रोहतगी बोले, राहुल देश भर में पीएम मोदी को दे रहे हैं गाली। मतदान प्रभावित करके आरोप के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के घर छापेमारी, गिरफ्तारी का आदेश। उत्तर प्रदेश योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बदायूं स्थित घर पर छापेमारी हुई। मंगलवार को चुनाव आयोग की टीम ने स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर छापेमारी की। बदायूं लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य बदायूं में रहकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी शिकायत के आधार पर आयोग की टीम ने छापेमारी की। सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी संघमित्रा प्रत्याशी के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, नियमानुसार यह बदायूं में नहीं रह सकते हैं, लेकिन मतदान के दिन भी वह चुनाव प्रभावित करने के आशय से बदायूं में रुके हुए हैं। इसकी शिकायत मैंने चुनाव आयोग और जिला प्रशासन से की, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। ऐसा लगता है कि प्रशासन भी मिला हुआ है। उन्होंने मांग की कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जिसे जिले से बाहर किया जाने का बंदोबस्त किया जाए।